जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के राशिफल की। धनु राशि के राशिफल में नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके प्रेम संबंध की, वैवाहिक संबंध की, धन की, व्यापार कारोबार की, नौकरी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सभी बातों पर चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप धनु राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। कौन कौन से अक्षर धनु राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, धनु राशि के नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं प्रथम भाव की बात करें तो, और गुरुदेव जो है आपके दूसरे भाव में धन भाव में गोचर करेंगे और मकर राशि में, और 20 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद 20 नवंबर के बाद वो कुंभ राशि में रहेंगे। तो जब 20 नवंबर तक दूसरे भाव में रहेंगे तो मकर राशि के स्वामी जो शनि हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे, तो धन के लिए अच्छा होगा, परिवार के लिए भी अच्छा होगा। परिवार में बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। थोड़ा सा वाद विवाद से बचना होगा और बाड़ी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो दूसरे भाव के परिणाम और प्रथम भाव के परिणाम अच्छे जाने वाले हैं। तीसरे भाव की बात करें, कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, दूसरे भाव में गोचर है शनिदेव का, और तीसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में गोचर है, तो थोड़ा सा क्या है कि छोटे भाई बहनों से संबंधों को लेकर, वाद विवाद को लेकर बचना है, मित्रों से वाद विवाद को लेकर बचना है। लेकिन 20 नवंबर को गुरुदेव यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो परिणाम अच्छे रहेंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो कुल मिलाकर तीसरे भाव के परिणाम भी अच्छे ही रहने वाले हैं। थोड़ा सा वाद विवाद को दूर रखना है अपने छोटे भाई बहन और मित्रों के साथ में। चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं, तो 20 नवंबर तक दूसरे भाव में, फिर तीसरे भाव में रहेंगे, तो 20 नवंबर तक परिवार के भाव में रहेंगे, तो परिवार का के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे और माता के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर परिवार भाव के संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा, और आप अगर कोई गाड़ी और घर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं, तो उसके लिए परिणाम अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 नवंबर तक ज़्यादा अच्छे हैं, उसके बाद तीसरे भाव में रहेंगे तो थोड़े से आपको वाद विवाद को लेकर सावधान रहना होगा, संयम से काम लेना होगा, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परिणाम अच्छे जाने वाले हैं चौथे भाव के। पंचम भाव की बात करें, मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल तुला राशि में पूरे महीने रहेंगे, आय भाव में रहेंगे, तो पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी और मेष राशि में पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, मंगल की रहेगी, मंगल राशि स्वामी है पंचम भाव के। शिक्षा में कड़ी मेहनत करेंगे, आप सफलता भी मिलेगी और संतान को भी सफलता मिलेगी, संतान भी आपकी ऊर्जावान रहेगी। प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा वाद विवाद से बचना होगा, बाकी परिणाम अच्छे जाएंगे पंचम भाव के। और छठे भाव की बात करें, वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके धनु राशि में रहेंगे, यानी आपकी प्रथम भाव में रहेंगे, आपकी ही राशि में रहेंगे, छठे भाव के स्वामी हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको, पत्नी से वाद विवाद से बचना होगा, जीवन साथी से वाद विवाद से बचना होगा, कोई पार्टनर आपका व्यापारी पार्टनर है तो उससे वाद विवाद से बचना होगा, और नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, व्यापार कारोबार के लिए थोड़ा संघर्ष रह सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव की बात करें, मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध तुला राशि में रहेंगे 21 नवंबर तक, 2 नवंबर से, और फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो तुला राशि में रहेंगे सप्तम भाव के स्वामी, तो आपके जीवन साथी के साथ 21 नवंबर तक का समय अच्छा रहेगा, शिक्षा में सफलता अच्छी रहेगी, व्यापारिक कारोबार में अच्छा रहेगा और यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको सप्तम भाव के। और जब 21 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपके 12वें भाव में रहेंगे, और जो बुध हैं वो दसम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो उस समय पर आपके व्यापार कारोबार को लेकर, विस्तार को लेकर खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा कोई कारोबार है, कोई विदेश से जुड़ा कारोबार है, तो उसमें आपको लाभ होगा,
अगर विदेशी कंपनी में किसी में जॉब करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। और 21 नवंबर तक जब उनका तुला राशि में गोचर होगा, आय भाव में गोचर होगा, तो उस समय पर भी परिणाम आपके अच्छे ही रहेंगे क्योंकि वो दशमेश भी हैं बुध। अष्टम भाव की बात करें, कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम अष्टम भाव के आपको मिलने वाले हैं इस बात। और अष्टम भाव पर जो दृष्टि है वो 20 नवंबर तक शनि और गुरु दोनों की है और उसके बाद शनि की दृष्टि पूरे महीने रहेगी। तो अष्टम भाव में अचानक आपको धन का लाभ कहीं से हो सकता है। अगर आपका पुराना रुका हुआ कोई पेमेंट है या कोई उधार दे रखा था जो नहीं मिल रहा था तो वो इस समय आपका आ सकता है। प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिल सकती है। नवम भाव की बात करें, सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जो है 16-11 तक तुला राशि में रहेंगे, फिर वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो नवम भाव के स्वामी 16 नवंबर तक आपके आय भाव में रहेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, गुरु से संबंध अच्छे होंगे, कोई लंबी यात्रा हो सकती है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि हो सकती है। अगर आपका कोई कार्य धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है तो आपको इस समय अच्छी सफलता मिलेगी। तो इस तरह का कुछ परिणाम रहेगा। और 16 नवंबर के बाद जब वो 12वें भाव में होंगे, भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा, खर्चों में भी थोड़ी अधिकता हो सकती है, थोड़ा पिता से वाद विवाद से भी बचना होगा। लेकिन अगर आपका विदेश से जुड़ा कारोबार है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद दशम भाव की बात कर लेते हैं। कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध आपके आय भाव में 21-11 तक हैं, अच्छे परिणाम रहेंगे व्यापार कारोबार के लिए। 21-11 के बाद भी अगर आपका विदेश से जुड़ा कारोबार है तो अच्छे रहेंगे, और अगर विदेश से जुड़ा कारोबार नहीं है तो खर्चे का कंट्रोल करना पड़ेगा और बाकी परिणाम अच्छे रहेंगे। व्यापार कारोबार के लिए अच्छा महीना जाने वाला है, 21-11 तक यानी 21 नवंबर तक ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आय भाव की बात करें, तुला राशि है और स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके राशि में ही हैं, पूरे महीने वहीं पर हैं, तो आय के मामले में अच्छा रहेगा, व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी आपको। आय और व्यापार दोनों आपके इस महीने नवंबर के महीने में अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि खर्चों पर नियंत्रण रखना है, बजट बनाकर चलना है। बाकी आय इस महीने आपकी अच्छी होगी, नौकरी करते हैं तो भी अच्छी होगी, व्यापार करते हैं तो भी अच्छी होगी, तो आय के मामले में ये महीना अच्छा जाने वाला है। लेकिन खर्चे अधिक होने के कारण आप थोड़ा सा तनाव में आ सकते हैं, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी आय भी आपकी कम नहीं होगी, आय इस महीने अच्छी रहेगी। 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में वृश्चिक राशि है और स्वामी मंगल हैं, तो मंगल आपके आय भाव में रहेंगे, तुला राशि में पूरे महीने रहेंगे, 12वें भाव के स्वामी हैं, वो भी खर्चों को ही दिखाते हैं क्योंकि 12वें भाव का स्वामी आय भाव में रहेगा तो आय तो ज़्यादा होगी लेकिन खर्चे भी ज़्यादा होंगे। इस बात का संकेत दिखता है इस नवंबर के गोचर में, मुख्यतः है कि नवंबर के महीने में आपको आय होने वाली है लेकिन खर्चे भी ज़्यादा रहने वाले हैं, इसलिए आप धन को लेकर थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, मुख्यतः बात नवंबर के महीने की जो निकल कर आ रही है, आपको खर्चों पर ध्यान अवश्य रखना है, बजट बनाकर चलना है, अपने खर्चे जो है हिसाब से ही करने हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। उपाय की बात करें तो आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए और अपने गुरु का आशीर्वाद भी समय समय पर लेते रहें, और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं, चने की दाल मंदिर में दान करें, और या फिर आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल भरकर गुरुवार को गाय को खिला सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, रोजाना ना लगा सकें तो गुरुवार को अवश्य लगाएं, पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, हनुमान जी की पूजा उपासना से भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से कोई भी उपाय आप करें तो मित्रों आपको लाभ मिलेगा। मित्रों आज मैंने आपको धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।